बॉलीवुड में इन दिनों एक नया चलन सा शुरू हो गया है। पुराने जमाने की हिट फिल्में फिर से सिनेमाघर में धूम मचाने आ रही है। मानो ये फिल्में एक बार फिर दर्शकों के दिलों को जीतने के लिए तैयार है। कुछ फिल्में दोबारा दस्तक दे चुकी है। अब इस कड़ी में अनुराग कश्यप की दासु फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भी वापसी कर रही है। ये खबर सुनकर तो मानो पुराने जमाने की यादें ताजा हो गई है। और यही नहीं, इस लिस्ट में और भी कई मजेदार फिल्में शामिल है। याद है वो डरावनी फिल्म तुम्बाड़, जिसने हमें इतना डराया था कि हम रात को सोने से डरते थे? जी हाँ, वही फिल्म अब दोबारा सिनेमाघरों में आ रही है। सोचो, 6 साल बाद हम फिर से उस डरावने माहौल में लौटने वाले हैं। 30 अगस्त को तुम्बाड़ फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस लिस्ट में अब मनोज बाजपेयी की कल्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम भी शामिल हो गया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों भागों को 30 अगस्त को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा और ये 5 सितंबर तक सिनेमाघरों में देखने के लिए उपलब्ध होगी। कौन भूल सकता है आर माधवन और दिया मिर्जा की जोड़ी को? उनकी फिल्म रहना है तेरे दिल में तो किसी जादू से कम नहीं थी, और अब ये जादू दोबारा बड़े पर्दे पर छाने वाला है। ये फिल्म 30 अगस्त को दोबारा सिनेमाघरों में आ रही है। और अगर बात करें हाल ही में री रिलीज हुई फिल्मों की, तो तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म लैला मजनू भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये फिल्म 9 अगस्त को दोबारा रिलीज हुआ था और दर्शकों ने इसे ढेर सारा प्यार दिया। रणवीर कपूर ने फिल्म रॉक स्टार में दमदार परफॉर्मेंस दी थी। इस फिल्म ने दोबारा सिनेमाघरों में दस्तक दिया और दर्शकों ने इस फिल्म को दिल से अपना लिया है। नरगिस फाकरी के साथ रणवीर की जोड़ी तो कमाल की थी और फिल्म के गाने तो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। दोबारा रिलीज होने के बाद रॉक स्टार ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। आमिर खान की फिल्म दंगल भी सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई। पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों की कहानी बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। आमिर खान के साथ फतिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा और अपार शक्ति खुराना भी इस फिल्म में है। ऐसे ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।